तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। एक साइबर अपराधी पेटीएम का ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर और केवाईसी अपडेट के नाम पर एक व्यक्ति को 1,85,000 रूपए की ठगी की। इस मामले में बजाज नगर पुलिस ने नरेश रघुनाथ की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। वे अभिनव रेजिडेंसी लक्ष्मी नगर के निवासी है। 28 मई की दोपहर एक अज्ञात आरोपी ने नरेश को उनके मोबाइल पर फोन किया था। आरोपी ने कहा कि पेटीएम के जरिए लेन देन जारी रखने के लिए केवाईसी को अपडेट कराने की आवश्यकता है। केवाईसी अपडेट न होने पर उनके खाते में लेन देन बंद कर दिया जाएगा। नरेश ने उनमें पेटीएम को अपडेट कराने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। आरोपी ने उसके मोबाइल पर एक लिंक भेजा। नरेश ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उसके खाते से 1,85,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर होकर आरोपी के खाते में पहुंच गए। खाते से पैसे डेबिट होने की सूचना मिलते ही नरेश को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने बैंक में शिकायत की। बैंक अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने को कहा। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी।